दिस है, कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। बट हम दिखा देंगे, ठीक है, किस तरह से करते हैं वो हम दिखा देंगे, बट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो आज तो नहीं लगेगा, आज हम लोग ये सब नेटवर्किंग वाला, आईपी एड्रेस ये सब पढ़ेंगे। 2 मिनट टाइम दे दो, बाकी लोग और भी 3-4 स्टूडेंट एबसेंट है शायद, ठीक है, तो हम अटेंडेंस लेंगे फर्स्ट हाफ। फर्स्ट देखो, नेक्स्ट क्लास से फर्स्ट हाफ का अटेंडेंस एंड सेकेंड हाफ का अटेंडेंस होगा, बोथ हाफ का अटेंडेंस होगा। ओके, आज भी हम फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ का अटेंडेंस ले लेंगे, और नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब टुमोरो से फर्स्ट हाफ का अलग से अटेंडेंस होगा और सेकेंड हाफ का अलग से अटेंडेंस होगा। बिफोर दैट वेट फॉर 2 मिनट, 10-2 मिनट वेट करो, सबको ज्वाइन करने दो, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करो। अच्छा, नेक्स्ट इज मेश टोपोलॉजी एंड नेक्स्ट इज बेसिकली रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या है बेसिकली? एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। If any idea, then reply in chat box. Okay, students, जो भी जिसका जो भी idea है about ring topology, discuss करो। ये वाला part and IP address complete हो जाने के बाद हम लोग का जो main topic है AWS Amazon Web Services, उसमें enter करेंगे। क्योंकि ये वाला part उसमें लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए हम ये वाला part discuss कर रहे हैं। अगर ये वाला पार्ट क्लियर रहेगा तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी इजी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा। रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क कनेक्शन शेप विथ बी लाइक रिंग। ओके सिद्धार्थ, नेक्स्ट एनीवन, एनीवन, कनेक्टिंग सर्कुलर वे। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, तो रिंग टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, देखो रिंग टोपोलॉजी में दो इस तरह का होता है। पहले आर्किटेक्चर देख लो, इसमें कंप्यूटर कनेक्टेड आएगा इस तरह का बेसिकली। ना वेट करो, कुछ कंप्यूटर रहेगा और कंप्यूटिंग डिवाइस इस तरह से कनेक्टेड आएगा। इस तरह से कनेक्टेड आएगा कंप्यूटिंग डिवाइस। ओके, और एक वायर रहेगा जो कि इमरजेंसी वायर, इस तरह से रहेगा। इस तरह से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर टोकन रहता है जो कि ना डेटा ट्रांसफर होने के लिए, तो दिस इज ए कनेक्टेड वायर, ठीक है। अगर एक वायर में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगा, समझ ये वाला वायर में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगा इंटरनल वायर में, तो आउटसाइड जो वायर है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, वो बेसिकली इमरजेंसी वायर होता है। दिस बेसिकली रिंग टोपोलॉजी। क्लियर स्टूडेंट्स, रिप्लाई।
when completely device connected like in a ring like structure, then that kind of topology known as ring topology. When computing device connected like a ring, then that kind of topology is known as ring topology. Okay, clear? Reply. Clear? Am I audible, students? Clear? क्लियर है ये वाला पोर्शन? रिप्लाई करो और एक बार बता दीजिए सर। अच्छा ठीक है, और एक बार हम बोल रहे हैं रिंग टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है ना, कंप्यूटिंग डिवाइस तुम्हारा कनेक्टेड रहेगा लाइक ए रिंग। तो यहाँ पर दो वायर रहेगा बेसिकली रिंग टोपोलॉजी में, एक तुम्हारा डेटा ट्रांसफर करने के लिए वायर जो इंटरनल वायर, और आउटसाइड में और एक वायर है, देखो ये वाला वायर, दिस वायर, ये वाला बेसिकली इमरजेंसी वायर। अगर इंटरनल वायर का कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगा तो आउटसाइड का जो वायर है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। सब इंटरनल वायर डेटा ट्रांसफर करने के टाइम में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, डेटा ट्रांसफर और नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसमें इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आउटसाइड वायर वो बेसिकली डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी हो जाएगा। ओके बोलो, ठीक है, क्लियर? अच्छा नेक्स्ट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी तो बोलो तो व्हाट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी, what is hybrid topology? Anyone have any idea what is hybrid topology? Any idea? Mixed of all types of their topologies like ring, star, hair. Okay, next, anyone? Combination of two or more topology, PCK, okay? Anyone? Soye Palom, integration of two or more topology, okay? All answer are correct. बाकी लोग भी reply करो, जो भी जानते हो reply करो, ठीक है? क्योंकि हम लोग सीखने के लिए यहाँ पर हैं। अगर तुम लोगों का problems होगा, तो हम यहाँ पर discuss करके ठीक कर देंगे। I'll discuss. Okay? So combination of more than two topology is known as hybrid topology. So combination of two or more than two topology is known as combination of two or more than two topology is known as hybrid topology. Okay, so combination of two or more than two topology is known as hybrid topology. Okay, just 1 minute, students.
So combination of two or more than two topology is known as hybrid topology. तो हाइब्रिड टोपोलॉजी का एक एग्जांपल जिसका जैसे कि सपोज एक रिंग टोपोलॉजी है, एक रिंग टोपोलॉजी सपोज एक रिंग टोपोलॉजी है ये वाला, उसके साथ एक बास टोपोलॉजी है सपोज, यहां से बास टोपोलॉजी स्टार्ट हो रहा है सपोज, तो देखो इसमें मोर देन टू और मोर देन टू टोपोलॉजी कनेक्टेड है रिंग एंड बास, तो दिस इज बेसिकली नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। टू और मोर देन टू टोपोलॉजी कनेक्टेड है इसलिए इसका नाम है बास टोपोलॉजी। क्लियर स्टूडेंट्स रिप्लाई, इसका नाम है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी बेसिकली तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स एक कंपनी है जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लगेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क यूज होगा, वहां पर हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज किया जाता है। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट चलो हम लोग चलते हैं मेन, जो सभी मेन है जो इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली AWS में लगेगा मैक्सिमम टाइम जो यूज होगा AWS में, Amazon Web Services में मैक्सिमम टाइम जो यूज होगा उसमें चलते हो बेसिकली आईपी एड्रेस। ओके आईपी एड्रेस। अच्छा टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट आईपी एड्रेस, व्हाट इज आईपी एड्रेस। देखो आईपी एड्रेस बेसिकली क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, डिस्कस हम करेंगे, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू क्लियर आईपी एड्रेस थ्योरी ऑफ आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस मैक्सिमम टाइम तुम्हारा क्लाउड कंप्यूटिंग में लगेगा। सो व्हाट इज आईपी एड्रेस, एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाट इज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है बोलो, उसके बाद हम क्लास ए क्लास बी क्लास सी किस तरह से कैलकुलेशन करोगे हम बोलेंगे। व्हाट इज आईपी एड्रेस रिप्लाई। अच्छा नॉट यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस ऑफ ए डिवाइस, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ट्राई करो तुम लोग, हम बोल रहे हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो आईपी एड्रेस क्या है, देखो आईपी एड्रेस इज बेसिकली लॉजिकल एड्रेस टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए मशीन इन द कंप्यूटर नेटवर्क। आईपी एड्रेस इज ए लॉजिकल एड्रेस टू यूनिकली आइडेंटिफाई
identify one computing machine in the internet or in the network, computer network. So IP address is a logical address to uniquely identify one computing machine in the internet, in the computer network. ठीक है, तो IP address basically logical address, not physical address. ठीक है, so IP address may be changed. IP address is changeable. It's not a permanent address. এটা কোনো permanent address নয়, ঠিক আছে? So IP address is a logical address to uniquely identify one computing machine in the internet or in the computer network. IP address is changeable. It's not a permanent address. Okay, students, reply. ठीक है, क्लियर? ये तुम्हारा परमानेंट एड्रेस नहीं है, लॉजिकल एड्रेस है, इट मे चेंज. देखो सपोज एक्सप्लेन है ना क्या, सो आईपी एड्रेस इज ए लॉजिकल एड्रेस और टू यूनिकली आइडेंटिफाई वन कंप्यूटिंग मशीन इन द इंटरनेट और इन द नेटवर्क. आईपी एड्रेस इज चेंजेबल, इट्स नॉट ए परमानेंट एड्रेस. ठीक है, जैसे कि सपोज तुम यहाँ पर कोलकाता में, सपोज तुम टीसीएस में काम करते हो कोलकाता में, तो तुम्हारा कंप्यूटर की एक आईपी एड्रेस होगा कोलकाता का, जो नेटवर्क है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क देयर विल बी ए आईपी एड्रेस ऑफ योर मशीन. बट अगर तुम यूएस में चला जाओगे तो तुम्हारा अकॉर्डिंग टू नेटवर्क एंड ऑफिस लोकेशन तुम्हारा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा. आईपी एड्रेस मे बी चेंज, इट इज नॉट ए परमानेंट एड्रेस बट इट इज ए लॉजिकल एड्रेस. बट वी कैन आइडेंटिफाई वन मशीन यूनिकली टू uniquely identify, we can use IP address. But IP address is not a permanent address. A IP address of a machine can change based on network or subnetwork. Clear? Reply. Okay. Ekbar reply kar. ओके, अच्छा नेक्स्ट इज आईपी एड्रेस. ऐसा और एक एड्रेस है, वो बेसिकली मैक एड्रेस. हम आईपी एड्रेस डिस्कस करेंगे बट मैक एड्रेस भी थोड़ा सा आइडिया करना पड़ेगा. व्हाट इज मैक एड्रेस? व्हाट इज मैक एड्रेस? आईपी एड्रेस तो ठीक है, मैक एड्रेस what is MAC address? ठीक है, बोलो जो आइडिया है शेयर करो. ठीक है, तो जिसका आइडिया है वो शेयर करो, जिसका नहीं है वेट करो, हम डिस्कस करेंगे. जब हम डिस्कस करेंगे तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा. बट अभी आइडिया है तो शेयर करो. ठीक है, क्योंकि इंटरैक्टिव वे में पढ़ोगे तो इजी होगा, इसलिए हम क्वेश्चन पूछ के आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, जिसका आइडिया है शेयर करो चैट बॉक्स में, रिप्लाई करो.
अच्छा देखो मैक एड्रेस, तो तुम लोग का जो भी आंसर है ठीक है, सबका आंसर ओके, ऑल आंसर आर राइट ओके, तब भी हम डिस्कस कर रहे। देखो मैक एड्रेस इज नोन एज फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस जिसका नहीं हुआ है वो देख लो, फिजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस इज ए पार फॉर ए कंप्यूटिंग मशीन, मैक एड्रेस इज द परमानेंट एड्रेस, इफ यू चेंज लोकेशन विथ आवर मशीन, इफ वी चेंज लोकेशन ऑफ आवर मशीन, कंप्यूटिंग मशीन ऑफ आवर कंप्यूटिंग मशीन, देन मैक एड्रेस कैनॉट चेंज, क्योंकि मैक एड्रेस इज ए परमानेंट एड्रेस। आईपी एड्रेस का लेंथ कितना होता है? द लेंथ ऑफ द आईपी एड्रेस ऑलवेज विल बी द लेंथ ऑफ द आईपी एड्रेस ऑलवेज विल बी 32 बिट अकॉर्डिंग टू आईपी वी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्सन 4, 32 बिट, बट लेंथ ऑफ मैक्सिमम और लेंथ ऑफ मैक एड्रेस विल बी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस, एनीवन हैव एनी आइडिया? 48 बिट। सो लेंथ ऑफ मैक एड्रेस विल बी 48 बिट मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम। सो स्टूडेंट्स क्लियर आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस? हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली रिप्लाई करो। रिप्लाई ओके। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट। आईपी एड्रेस का जो क्लासिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस तरह से कैलकुलेट करोगे वो सब टोटल यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लासफुल आईपी एड्रेस, टाइप्स ऑफ क्लासफुल आईपी एड्रेस, क्या क्या टाइप है बोलो तो, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। What are the types of IP address available? Hello students, reply. Types of IP address. जो आइडिया है बोलो, ठीक है? चाप नहीं है, बोलो जो भी जानते हो शेयर करो, हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं ना। Types of IP address. Hello.
नहीं स्टार्टिंग डायनेमिक ठीक है, बाकी अच्छा ट्राई करो, जिसका जो भी व्यू है चैट बॉक्स में लिख के बताओ, ट्राई सब आई। देखो बेसिकली आईपी एड्रेस का क्लास क्या क्या है, देखो क्लास ए आईपी एड्रेस, क्लास बी आईपी एड्रेस, क्लास सी आईपी एड्रेस एंड क्लास डी आईपी एड्रेस। ओके सो क्लास ए आईपी एड्रेस, क्लास बी आईपी एड्रेस, क्लास सी आईपी एड्रेस, क्लास आईपी एड्रेस, ठीक है। तो बेसिकली क्लास या आईपी एड्रेस यूजेबल यूज होता है, वी कैन यूज, हम डिस्कस करेंगे एकदम है, और तुम लोग का सेमिस्टर में भी ये काम में लग जाएगा, सेमिस्टर में तुम लोग का नेटवर्किंग का क्लास, नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्किंग का सेमिस्टर हो गया, सब्जेक्ट का नहीं सेमिस्टर है स्टूडेंट, अभी भी नहीं हुआ है तो No, तो वहां पर भी ये लगेगा है, तुम्हारा क्लास का जो मतलब सेमिस्टर होगा, हाँ इसी सेमिस्टर में है, तो ये क्लासिफिकेशन मतलब आईपी एड्रेस का जो क्लासिफिकेशन इतना अच्छा से हम पढ़ाएंगे, तुम लोग देख लेना, इससे एक भी क्वेश्चन तुमको तुम्हारा नहीं छूटेगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये तुम्हारा क्लाउड कंप्यूटिंग जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का जो मेन टॉपिक है AWS क्लाउड कंपनी, उसमें भी लगेगा और तुम लोग का सेमिस्टर के एग्जाम में भी लगेगा, ठीक है। सो क्लास बी वी कैन ऑल्सो यूज, वी कैन यूज क्लास सी ऑल्सो, वी कैन यूज, हम क्यों यूज नहीं कर पाएंगे क्लास डी, बट क्लास डी एंड क्लास ई को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, वी कांट यूज, ये भी हम लोग नहीं कर सकते, वी कांट यूज, ठीक है। तो वो बाद में डिस्कस करेंगे, ये तीन हम लोग क्यों यूज कर पाएंगे और ये दोनों हम क्यों यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, दिस टू आईपैड इज बेसिकली यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस डी एंड EIP used for R and research and development and for military purpose, hai, military purpose, exam, MILITARY, military purpose. मिलिट्री पर्पस वो यूज किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड मिलिट्री पर्पस भी यूज किया जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास क्लास ई, बट ए बी सी को हम लोग यूज कर पाएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में या तो नेटवर्किंग में। ठीक है,
अच्छा देखो, तो देखो किस तरह से डिवाइड किया जाता है, टोटल बीट कितना है आईपी एड्रेस के लिए, टोटल नंबर ऑफ बीट्स, टोटल बीट्स, टोटल बीट यूज फॉर आईपी एड्रेस इन आईपी वी वर्जन 4, बेसिकली 32 बीट्स, 32 बीट्स यूज होता है, ठीक है। इनमें से क्लास ए में अगर पहले हम डिस्कस कर लेते क्लास ए, सपोज क्लास ए, इनमें से क्लास ए में ये जो 32 बिट है, तो फ्रॉम दिस 32 बिट इन क्लास ए तो रिप्रेजेंटेशन विल बी 8 bit and 8 bit, इस तरह से 8 करके इसको डिवीजन किया जाता है, 8 bit, टोटल 32 bit। तो क्लास ए में क्या होता है, 8 bit यूज फॉर नेटवर्क आईडी, नेटवर्क के लिए यूज होगा 8 bit, बाकी ये जो 24 bit, so 24 bit 8 plus 8 equals to 24 bit used for host, मतलब एक कंप्यूटर को इंडिकेट एड्रेस देने के लिए, होस्ट आईडी, होस्ट मींस एक नोड, होस्ट आईडी यूज फॉर होस्ट आईडी, होस्ट आईडी, ठीक है। तो क्लास ए में फर्स्ट 8 बिट विल बी यूज फॉर नेटवर्क आईडी के लिए, बाकी 24 बिट विल बी यूज फॉर होस्ट आईडी। एक नेटवर्क में जितना होस्ट रहेगा, एक नेटवर्क में जितना कंप्यूटर रहेगा, उतना कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। दिस इज क्लास ए। होस्ट आईडी जब सपोज एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर में एक कंप्यूटर के आईपी एड्रेस होगा, तो ये कंप्यूटर का हम लोग बोलते हैं होस्ट, दिस इज ए होस्ट, ओके इसी का। तो कंप्यूटर को या तो मोबाइल फोन का भी आईपी एड्रेस होता है, कंप्यूटर की भी आईपी एड्रेस होता है, लैपटॉप का भी आईपी एड्रेस होता है। तो कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सब एक एक होस्ट है, होस्ट, ठीक है। वो जो नेटवर्क में रहेगा, वो वाला नेटवर्क में तुम्हारा मोबाइल फोन या तो तुम्हारे लैपटॉप का एक आईपी एड्रेस वो दिया जाएगा, नेटवर्क उसको दे देगा, असाइन कर देगा। तो जो आईपी एड्रेस जो कंप्यूटर, लैपटॉप और डेस्कटॉप को दिया जाता है, वो कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप का नाम कहा जाता है कि वो एक होस्ट है, होस्ट, ओके। इतना दूर क्लियर, रिप्लाई करो, रिप्लाई, इतना दूर क्लियर हुआ, रिप्लाई, अच्छा होस्ट आईडी। तो क्लास ए नेटवर्क आईपी एड्रेस टोटल 32 बिट को 8 करके डिवाइड किया जाता है, 8 8 8। तो क्लास ए में फर्स्ट 8 बिट यूज फॉर नेटवर्क आईडी, नेट आईडी, एन आईडी मीन्स नेट आईडी, बाकी जो 24 बिट है 8 8 8, ये जो 24 बिट है यूज होता है होस्ट आईडी, HID, होस्ट आईडी मतलब तुम्हारा जो कंप्यूटर के है, सपोज ये एक नेटवर्क है, ठीक है, ये वाला नेटवर्क का नेटवर्क आईडी सपोज 192.168.1.0, इसमें सपोज चार कंप्यूटर है, चार
चार कंप्यूटर है, तो ये जो नेटवर्क है 192.168.168.192.168.1.0 नेटवर्क आईडी है, ये नेटवर्क का आईडी है, ये वाला नेटवर्क का आईडी है, ये वाला नेटवर्क का, इसमें चार कंप्यूटर है, खपत एक कंप्यूटर का आईडी है 192.168.1.1, इसका है 192.168.1.2, इसका है सपोज 1.3, इसका है सपोज 192.168.1.4, तो ये बेसिकली एक एक होस्ट है, ये वाला नेटवर्क है 192.168.1.1 नेटवर्क में ये एक होस्ट है, दिस इज अ होस्ट, दिस इज अ होस्ट, दिस इज अ होस्ट, सब होस्ट का एक एक आईपी एड्रेस है। क्लियर? रिप्लाई करो, क्लियर? रिप्लाई करो, रिप्लाई करो काइंडली। आपका क्लियर है? काइंडली रिप्लाई करो, क्लियर? रिप्लाई, रिप्लाई है। अच्छा, ये दिस इज क्लास ए, क्लास बी में क्या होता है? देखो क्लास बी में, क्लास बी सपोज क्लास बी आए, क्लास बी में क्या होता है? देखो देखो पहले हम जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आईपी एड्रेस किस तरह से क्रिएट किया जाता है उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाएंगे, ठीक है? तो 8 बिट एंड 8 बिट टोटल 32 बिट। ओके, तो देखो क्लास बी में बेसिकली फर्स्ट 16 बिट, यहाँ पर एक 1 8 बिट एक्स्ट्रा एडेड होगा, फर्स्ट इसी में यूज फॉर नेटवर्क आईडी, और बाकी 8 प्लस 8 16 बिट विल बी यूज फॉर होस्ट आईडी, ठीक है? इसमें क्या होता है, फर्स्ट 16 बिट विल बी यूज फॉर नेटवर्क आईडी एंड लास्ट 16 बिट विल बी यूज फॉर होस्ट आईडी। क्लियर? रिप्लाई, क्लास बी क्लियर? उसमें क्या था, क्लास ए में ओनली 8 बिट यूज फॉर नेटवर्क आईडी, बाकी 24 बिट यूज विल बी यूज फॉर नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, यहाँ पर 16 बिट यूज फॉर नेटवर्क आईडी एंड 16 बिट यूज फॉर होस्ट आईडी। क्लास डी में क्या होता है, देखो क्लास डी में एट बिट, क्लास सी में फर्स्ट 3 8 बिट मतलब 24 बिट विल बी यूज फॉर नेट आईडी, नेटवर्क आईडी, बाकी ओनली 1 8 बिट यूज फॉर
एच आईडी माने होस्ट आईडी। ये वाला क्लियर है क्लास सी डिप्लाई। ठीक है क्लियर तो। अच्छा देखो नेक्स्ट आईपी एड्रेस कैलकुलेशन। किस तरह से कैलकुलेट करोगे देखो, पहले एक ये वाला ले लो, तो टोटल क्या है 32 बिट, टोटल 32 बिट। जस्ट वन बिट स्टूडेंट, जस्ट वन बिट, जस्ट वन बिट। ओके
स्टूडेंट सॉरी सॉरी ओके तो देखो बेसिकली मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। अच्छा देखो, तो बेसिकली थर्ट टू टू बी टोटल, ठीक है, आईपीवी फोर में आईपी एड्रेस जनरेट करने के लिए टोटल 32 बिट है, ठीक है। उनमें से देखो इसमें दो पार्ट क्रिएट किया जाता है, ये टोटल 32 बिट है, सपोज दिस इज टोटल 32 बिट, दिस इज टोटल 32 बिट, ओके। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बेसिकली एक पार्ट में एक जीरो यहाँ पर रिप्लेस कर देना, दिस इज 32 बिट, और इसमें ये वाला जीरो फिक्स कर देना और यहाँ पर वन फिक्स करना पड़ेगा, मतलब टू टू की पावर 32, टोटल नंबर ऑफ 32 बिट्स है। तुम लोग तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, ये तो जानते हो, अगर टोटल 32 बिट रहेगा तो 32 बिट से कितना नंबर हम लोग जनरेट कर सकते हैं, 32, अगर दो बीट रहेगा तो कितना टोटल नंबर जनरेट होगा, 2 to the power 2 = 4 नंबर, अगर 3 बीट रहेगा, नंबर ऑफ बीट अगर 3 होगा तो कितना टोटल नंबर जनरेट होगा, 2 to the power 3, टोटल 8 नंबर जनरेट होगा, बाइनरी नंबर। अगर 32 बीट होगा तो कितना बीट जनरेट होगा, कितना नंबर जनरेट होगा, 2 to the power 32, और क्लास ए में कितना रहेगा, क्लास ए में 2 to the power 32 by 2, मतलब 2 to the power 31 bit, ये तुम्हारा क्लास ए के लिए, और बाकी 2 to the power 31 bit will be for यहाँ पर रिजर्व रहेगा। ये बार क्लियर हुआ, बोलो पहले रिप्लाई करो। Can you explain one second? हाँ हाँ, मतलब अच्छा ठीक है, देखो देखो अच्छा से देखो, ये थोड़ा सा अच्छा से देखना पड़ेगा, इसको लाइटली लोगे तो समझ नहीं पाओगे। देखो अगर सपोज नंबर ऑफ बीट, सपोज मेरा 2 बीट है, तो कितना नंबर जनरेट होगा 2 बीट से, बाय यूजिंग 2 बीट हाउ मेनी नंबर वी कैन जनरेट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पता है ना, बोलो ना, 2 to the power 2, 4, अगर n इक्वल्स टू 3 होगा तो कितना नंबर जनरेट होगा, 2 to the power 3, 8। साइमल्टेनियसली n इक्वल्स टू अगर 32 बिट होगा तो कितना नंबर जनरेट होगा, 2 to the power 32, ठीक है, जो भी है 2 to the power 32 जनरेट होगा, 2 to the power 32, ओके। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग, आईपी एड्रेस में क्या होता है, क्लास ए आईपी एड्रेस है, क्लास बी है, क्लास सी है, सपोज तो क्लास में है, में कितना आईपी एड्रेस रहता है ना, 2 to the power 32 divided by 2, इसमें रहता है इसका हाफ, मतलब 2 to the power 31 आईपी एड्रेस यहाँ पर रहता है क्लास ए में, क्लास बी में कितना होगा इसका हाफ, 2 to the power 31 by 2, कितना रहेगा, 2 to the power 30 आईपी एड्रेस क्लास बी में, क्लास सी में कितना रहेगा इसका हाफ, ठीक है, तो 2 to the power 31 यहाँ पर रहेगा क्लास बी में, और बाकी 2 to the power 31 चला जाएगा सी में, तो 2 to the power 30 by 2, 2 to the power 29 क्लास सी में रहेगा, बाकी 2 to the power 29 डी में चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से होता है। और एक बार देखो, टोटल आईपी एड्रेस टोटल 32 बिट है, इसको हाफ कर लेना, तो 2 to the power 31 क्लास ए में रहेगा और बाकी यहां पर रहेगा 2 to the power 31, इसमें तुम्हारा क्या होता है बेसिकली जीरो फिक्स्ड हो जाता है, जीरो पहला नंबर फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर पहला नंबर वन से फिक्स हो जाएगा वन, ठीक है। तो बाकी कितना है, क्लास ए में तो 2 to the power 31 है, बाकी 2 to the power 31 इसको हम यहाँ पर लेंगे,
इसमें क्या है 31 भी थे, तो इसका 31 इसको डिवाइड करो 2^31 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर कितना रहेगा 2^30, हाफ पोर्शन यहाँ पर रहेगा 30 यहाँ पर। ये तुम्हारा क्लास बी के लिए यूज होगा। इसमें क्या रहेगा ये वाला फिक्स्ड हो जाएगा, पहले तो 1 था 1 एंड 0 फिक्स्ड हो जाएगा, दो भी फिक्स यहाँ पर होगा क्या ना 1 1 1 एंड 1, ये थोड़ा सा याद करके रखना पड़ेगा। बाकी ये पर यहाँ पर रहेगा तुम्हारा सी के लिए, कितना बीट है 30 बीट बाकी है, उसको हाफ करेंगे तो 2^30 डिवाइड बाई 2^29 आईपी एड्रेस तुम्हारा क्लास सी में रहेगा। इसमें क्या क्या है, दो बीट फिक्स्ड है, 1 1 ऑलरेडी है यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 0 रहेगा फिक्स हो जाएगा, बाकी यहाँ पर 1 1 1, ये तुम्हारा 2^29 है। इसको हम यहाँ पर लेंगे फिर से, कितना बीट है 29 बीट, इसको भी डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने से 2^29 बाय 2 कितना होगा 2^28 नंबर ऑफ बीट्स, बाकी नीचे रहेगा 2^28। तो ये डी के लिए यूज होगा और ये ई के लिए यूज होगा, लेकिन ये दोनों यूज नहीं होता है, तो क्लास ए क्लास बी एंड क्लास सी यूज होगा। समझ में आया, एक बार रिप्लाई करो, इसके बाद और भी बोलेंगे, क्लियर? रिप्लाई करो। सर ये बॉक्सेस बेसिकली है क्या? हाँ अब बोलो। सर ये बॉक्सेस है क्या? कौन सा क्या है बोलो, एक बार समझ नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। सर आपने ये बॉक्सेस ड्रॉ किया है तो वो है क्या सर? ये जो बॉक्स बॉक्स यस सर, ये बॉक्स ये समझने के लिए बेसिकली, समझ हम समझ रहे हैं कि समझ, ये वाला 32 बिट है, तो टोटल 32 बिट कितना नंबर होगा 2^32, उसको हाफ करेंगे तो हाफ आईपी एड्रेस तुम्हारा चला जाएगा ये के लिए और हाफ बाकी रहेगा। 32 को अगर हाफ करोगे 2^32 जो भी है उसको अगर हाफ करोगे तो कितना होगा 2^32 - 1 क्या होगा 2^31, तो हाफ है ना, हाफ वैल्यू है ना, हाफ वैल्यू के लिए जाएगा, हाफ वैल्यू रहेगा, बाकी हाफ वैल्यू को लेके हम लोग बी का निकाल लेंगे 2^31 डिवाइडेड बाई 2 2^31 - 1 इक्वल टू 2^30, तो हाफ यहाँ पर है, हाफ यहाँ पर है, इसको लेकर फिर से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रिप्लाई। हेलो ठीक है, रिप्लाई सबको बोल रहा हूँ, काइंडली रिप्लाई करो। हाँ रिप्लाई करो काइंडली। अगर समझ में नहीं आ रहा है तब भी बोलो, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि इंटरनेट में क्लास हो रहा है, तो तुम लोग तो उधर बैठो और हम इधर बैठे, तो तुम लोग का तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो काइंडली रिप्लाई करो, प्रॉब्लम है तो बोलो फिर से बोल देंगे, अदरवाइज अगर प्रॉब्लम नहीं है तो रिप्लाई करो।
अच्छा तो क्लास ए को लेके पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? क्लास ए, तो क्लास ए के ए में आईपैड इसका रेंजेस क्या देखेंगे। ठीक है, 1, 3, 4 8 bit, 8 bit, 8 bit and 8 bit। ठीक है, तो क्लास ए में 8 बिट फॉर नेट आईडी एंड बाकी 24 बिट फॉर होस्ट आईडी, होस्ट आईडी। ओके, देखो इसमें क्या होता है, जब हम लोग क्रिएट किए थे इसमें जीरो बिट विल बी फिक्स्ड, ये वाला फिक्स्ड होगा है, 8 बिट में से 1 बिट जीरो ही रहेगा। जब जब हम दिखाए थे बॉक्स क्रिएट किए थे उसमें हम दिखाए थे। ओके, और बाकी 7 बिट तुम्हारा ऑल जीरो हो सकता है। एकदम 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 सुजन, वही वाला। तो नेटवर्क क्या हो सकता है, ऑल जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ऑल जीरो हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑल जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑल जीरो टू ऑल वन हो सकता है, ऑल वन मैक्सिमम ऑल वन हो सकता है। किस तरह का, ऑल वन, ये जीरो तो फिक्स जाएगा और 7 1 हो जाएगा, ऑल वन, 8 1, 8 1, 8 1 होगा। तो देखो ये नेटवर्क पोर्शन है और ये होस्ट पोर्शन है, नेटवर्क पोर्शन, ये होस्ट पोर्शन। तो नेटवर्क पोर्शन में मैक्सिमम क्या हो सकते, 0.0.0.0 और होस्ट पोर्शन में ये जो सेट 1 है इसको तुम समेशन करोगे तो कितना आएगा, दिस इज 1 2, ये याद करके रखोगे, 1 2 4 8 16 16 32 64 1 2 4 8 16 32 64 और 128, तो 128 पोर्शन इज जीरो, तो ये क्या होगा, वन, ये वाला वन है, 2 1 2 4 1 2 4 8 1 2 4 8 16 32 64 ऊपर में लिख देते 16 64 32 और 16, समेशन करो कितना होगा बोलो, तो कितना होगा बोलो, बोलो समेशन करने से कितना होगा, 8 + 4 = 12 8 + 4 = 13 14 15 16 17 18 19 20 21 127 तो ये वाला क्या होगा, 127.255 तो क्लास ए का रेंजेस क्या है, 0.0.02 127
dot 255 dot 255 dot 255. तो क्लास ए आई पैड इसका रेंजेस, लेकिन एक बात है क्लास ए में ये जो आई पैड ये बेसिकली नेटवर्क के लिए यूज होता है, क्लास है नेटवर्क, नेटवर्क आईडी है और ये वाला बेसिकली ब्रॉडकास्ट आईडी है, ब्रॉडकास्ट आईडी बीआईडी, मतलब यूज होगा, यूज कौन सा होगा इसका जस्ट नेक्स्ट वाला, मतलब ये बार वन हो जाएगा। कहां से यूज होता है ना, वन डॉट यूज होता है बेसिकली 1.0.0.02, ये वाला भी यूज नहीं होगा, इसका जस्ट पहला वाला 126.255.255.255, समझ में आया आपको, यहां से लेके यहां तक यूज होता है बेसिकली क्लास ए का आईपी एड्रेस का रेंज। बाकी जो ये वाला एकदम पहला वाला और एकदम लास्ट वाला ये यूज नहीं होता है, ये तुम्हारा क्लास ए का नेटवर्क आईडी से भी एज ए यूज होता है और ये क्लास ए का ब्रॉडकास्ट आईडी एज ए यूज होता है। बाकी उसका इसका जो नेक्स्ट है ये वाला है, यहां से लेके इसका जो पहला वाला है जस्ट ये वाला है, इतना तक तुम्हारा कंप्यूटर और नोट को एज ए आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। ओके, रिप्लाई रिप्लाई ओके स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं। काइंडली रिप्लाई करो, सबको बोल रहा हूँ काइंडली रिप्लाई करो। रिप्लाई करो, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो क्लास ए का आईपी एड्रेस रेंज क्या है ना, 1.0.0.0 यहां से लेकर 2.127.255.255.255, ठीक है। ये किसी भी होस्ट को तुम दे सकते हो, जैसे कि तुम एक नेटवर्क क्रिएट करोगे, चार कंप्यूटर है, तो एक कंप्यूटर को तुम ये वाला दे सकते हो, जैसे कि 1.0.0.1, एक कंप्यूटर को 1.0.0.2 और एक कंप्यूटर के 1.0.0.3, तुम ये प्रोवाइड कर सकते हो। बट ये जो फर्स्ट एंड लास्ट आईपी एड्रेस, ये वाला नेटवर्क आईडी क्लास ए नेटवर्क को, क्लास ए नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा, और जो लास्ट वाला 127 हाँ। देखो जो पहला वाला है 0.0.0.0 ये यूज नहीं होगा, ये नेटवर्क के लिए यूज होता है, क्लास ए नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो लास्ट वाला है 127.127.255.255 ये बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग आईडी एज ए ब्रॉडकास्टिंग आईडी, क्लास ए ब्रॉडकास्टिंग आईडी यूज होता है। इसको इसका इसका जस्ट पहला वाला आईपी एड्रेस है, ये वाला 6 होगा, इस विल बी 6। ये तुम्हारा कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल फोन को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं।
okay, clear reply. Reply. अच्छा पीयूष कौन सा पार्ट रिपीट करे बोलो, वही वाला पार्ट रिपीट करेंगे बोलो, कौन सा पार्ट तुम्हारा प्रॉब्लम है बोलो। 1 2 3 4 5 ये जो बोला ये वाला पार्ट मुझे डाउट। अच्छा ये वाला पार्ट, अच्छा ये वाला देखो जो फर्स्ट जो आईपैड डिस्क था वो कैलकुलेशन करने के बाद ये वाला था 0.0.0.0 फर्स्ट आईपैड डिस्क, लास्ट टाइप एड किया था 127.255.255 ठीक है। तो फास्ट ये वाला था, इससे जस्ट नेक्स्ट वाला कौन सा है 1.0.0.0 और ये जो लास्ट वाला है इससे जस्ट आगे कौन सा है 126, इसके बीच में बहुत सारे हैं 126.255.255.255 ठीक है। ये जो फास्ट वाला है लास्ट वाला यूज नहीं होगा, बाकी सब यूज होगा। ओके क्लियर, ओके तो ये वाला क्लास ए आईपी एड्रेस है, नेक्स्ट इज क्लास बी आईपी एड्रेस, क्लास बी इससे क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट इज क्लास बी आईपी एड्रेस। ये वाला देखो यहाँ पर भी सेम ही होता है, देखो इसमें खाली जस्ट ओनली फर्स्ट 16 बिट फॉर नेट आईडी, हाँ यस यस सुजन यस, क्लास ए में वेस्टेज होता है बहुत है, वेस्टेज होता है, वेस्टेज ज्यादा होता है, इसलिए उसको साफ डिवाइड करके क्लास बी क्लास सी इस तरह का छोटा छोटा नेटवर्क में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि क्लास ए बहुत बड़ा नेटवर्क है और उस बड़ा नेटवर्क में बहुत सारा आईपी एड्रेस का वेस्टेज होता है, इसलिए क्लास बी का कॉन्सेप्ट आया, क्लास सी का कॉन्सेप्ट आया, सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है इसीलिए बेसिकली। तो क्लास बी में देखो 16 बिट तुम्हारा नेट आईडी के लिए और बाकी 16 बिट एच आईडी के लिए यूज होता है, एच आईडी ठीक है, होस्ट आईडी। तो देखिए एक बार, अच्छा देखो इसमें क्या होता है, देखो किस तरह से होता है, वन टू ये वाला, तो देखो इसमें ये दो फिक्स्ड हो जाएगा 1 and 0 फिक्स्ड, बाकी मे बी ऑल जीरो टू ऑल वन, बाकी कितना है 6 है, 1 0 दो बीट है और बाकी 6 बीट है 1 2 0 सेम होगा है? जिस तरह से हम लोग क्लास ए कैलकुलेट किए थे सिमिलरली क्लास बी कैलकुलेट करेंगे। देखो 0 1 2 3 8 0 ठीक है 8 0 एट जीरो ठीक है, हाँ फिर से 8 0 तो फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा 128, यहां से 120 होगा, दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग 128, बाकी सब जीरो
ये कैलकुलेट किस तरह से होता है, देखो ये वाला पार्ट इसको दिखा देते हैं। देखो क्या है, 1 0 अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। तो क्या होता है देखो, 1 × 0 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 4 प्लस 0 × 8 प्लस 0 × 16 प्लस 0 × 32 प्लस 64 0 × 64 क्योंकि इसमें ना लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसलिए मेरा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है, बहुत मतलब टफ है माउस से लिखना, बहुत ही टफ है, ठीक है। 1 × 128 तो क्या टोटल होगा, 128 होगा प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस जो भी है सब जीरो हो जाएगा, अल्टीमेट 128। तो ये वाला क्या होगा, 128.0.0.0 फर्स्ट आईपी एड्रेस, और लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, इसी तरह से होगा ऑल वन, मतलब ये वाला तो रहेगा क्या फिक्स किया था, 1 0 1 0 बाकी सब 1 6 1 1 2 टोटल 8 होगा, तो 1 0 तो है बाकी 1 होगा। बाकी 1 ठीक है, लास्ट वाला क्या होगा, 191 121 63 तो 191 191.255 ये वाला पोर्शन 191, ये वाला 255 डॉट, ये वाला 255 डॉट, ये वाला 255 ओके। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से खत्म हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से खत्म हो रहा है, लेकिन इसका जस्ट नेक्स्ट वाला यूज होगा 129.0.0.0 यहां से लेके यहां तक यूज होगा 190.255.255.255 बाकी ये वाला क्लास बी का एज ए नेटवर्क आईडी यूज होगा, और ये जो लास्ट वाला क्लास बी का एज ए नेटवर्क आईडी यूज होगा। यहाँ पर 129 to 190 तक जो भी है ये तुम्हारा होस्ट हो या तो कोई भी नोट को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर रिप्लाई बोलो सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे होस्ट आईडी कौन सा पार्ट, बोलो ये 191 पार्ट 192.5 पार्ट सेकंड पार्ट 191.22.25 हाँ अच्छा अच्छा हाँ देखिए इसको समेशन करो, इस तरह से समेशन करो ना, रूल्स लगाओ समेशन करो, क्या क्या है इसमें 101 0 कितना 1 6 1 टोटल 8 बिट होगा, 8 बिट से एक 1 है एक 0 है और बाकी सब 1 1 अगर होगा तो वन इंटू वन प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 4
प्लस 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 16 प्लस ना अच्छा से कर लेते हैं कितना आता है ये वाला था वन जीरो बाकी ऑल वन हो सकता है ऑल जीरो हो सकता है बाकी सब जीरो जीरो ये वाला जीरो है जीरो ये भी जीरो है ये भी जीरो है एट जीरो और ऑल वन भी हो सकता है लास्ट वाला तो वन जीरो तो फिक्स है यहाँ पर है वन एंड जीरो बाकी ऑल वन हो सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बाकी ऑल वन ऑल वन सिक्स नहीं एट होगा वन टू तो इसको कैलकुलेट कर दे किस तरह से इसको ये वाला पार्ट को ये वाला पार्ट में प्रॉब्लम है तो वन इंटू 120 प्लस 0 इंटू 64 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 1 into 2 1 into 1 इसमें देखो ये 120 तो आ जाएगा ये वाला तो 0 हो जाएगा ये 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 1 समेशन करते 191 होगा ओके क्लियर बोलो ये वाला पार्ट है 191 बाकी की ये वाला पार्ट क्या है 255 होगा समेशन ये भी 255 ये भी 255 रिप्लाई करो तो पहले रिप्लाई करो क्लियर और नॉट रिप्लाई ओके तो सिमिलरली क्लास सी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन दे रहा है करो उसके बाद हम सी कराएंगे पहले ये वाला करो असाइनमेंट ठीक है ये वाला नंबर वन फाइंड द class of the below given IP address ये जो IP address हम दे रहा है इसका class क्या है बोलो A B अभी मत करो जब बोलेंगे करोगे अभी मत करो सी डी ई
बोलो ये कौन सा आईपैड है, कौन सा क्लास में है, फाइंड द क्लास ऑफ द जीरो गिवन आईपैड है। अच्छा ठीक है, बाकी लोग रिप्लाई करो। रिप्लाई करो। ठीक है, ओके, सबका ठीक है। नेक्स्ट क्लास सी आई पे है, क्लास सी को डिस्कस कर लेते हैं। क्लास सी आई पे अच्छा, 4 बजे से हम अटेंडेंस लेंगे हैं, क्लास सी आई पे है देखो। क्लास सी में क्या होता है देखो, ये वाला इसमें क्या होता है, 1 1 0 फिक्स्ड होता है, बाकी 5 बिट अल्टरनेट वाला, 5 0 होगा पहला वाला का, 0 0 नेक्स्ट 0 0 0 0 इसका 3 8 बिट नेट के लिए यूज होता है, नेट आईडी, बाकी होस्ट के लिए। तो फास्ट आईपी एड्रेस क्या है, 192, किस तरह से हो रहा है, 128 + 64 192, बाकी सब 0। So 192 into 182 plus into 1 plus 168 into 1 plus 192.0.0.0. This is first type address. The last type address all 1 hoga. Ye the fixed hai 110. Baki all 1. 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके तो देखो लास्ट वाला क्या होगा, इसमें ये वाला कितना है, ये सब मिला के ये तो 192 है, इतना था, ये वाला 1 2 4 8 16 31 31 + 1 2 31 + 1 ये वाला 128 है हाँ एकदम 64 + 31 कितना होगा, 8 4 12 1 4 10 2 तो 223 तो 223 dot 255 dot 255 dot 255 ठीक है। तो फर्स्ट टाइप एड्रेस ये वाला एंड लास्ट टाइप एड्रेस ये वाला, ओके। तो फर्स्ट टाइप आईपी एड्रेस यूज नहीं होगा इसका, जस्ट नेक्स्ट वाला यूज होगा, 193 ठीक है, 0.0.0 ये वाला, यहां से लेके 222.255
255.255 यहां से लेके यहां तक यूज होगा, बाकी ये वाला एज ए ब्रॉडकास्ट यूज होगा, ये वाला एज ए ये जो क्लास सी का नेटवर्क आईडी एज ए यूज होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, रिप्लाई करो क्लियर, अगर डाउट है तो बोलो, फिर से बोलेंगे। सबको बोल रहा हूँ, काइंडली रिप्लाई करो। रिप्लाई करो ऐसी का बोलो, एक बार समझ में नहीं आ रहा है। हाँ इसी का बोलो, समझ में नहीं आ रहा है मैसेज में। नो सर, सर समझ आ गया सर। अच्छा बोलो, और क्या प्रॉब्लम है बोलो, डिस्कस करेंगे। हाँ ये लगेगा ठीक है, अगर कोई भी कंपनी में भी काम करोगे तब भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। सर वेयर यूज क्लास सी टाइप आईपी एड्रेस। हाँ बोलो सर, वेयर वी हैव यूज्ड क्लास सी आईपी एड्रेस। क्लास सी आईपी एड्रेस तुम कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारा कंप्यूटर में भी, तुम जो नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हो घर में, उसमें भी क्लास सी यूज किया जा सकता है। जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, जैसे कि एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर है और अलायंस सर्विस प्रोवाइडर है, जियो सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो लोग बेसिकली तुमको जो आईपी एड्रेस देगा वो लोग, जो ये हम लोग खुद से तो यूज नहीं कर सकते ना, हमारा रीजन में एयरटेल का जो इंटरनेट कनेक्शन है सपोज, तो एयरटेल जो नेटवर्क है हमारा रीजन में, तो वहां से एक आईपी एड्रेस वो लोग हमको देगा। आईपी एड्रेस थोड़ी हम लोग इस तरह से यूज कर पाएंगे, खुद से यूज नहीं कर पाएंगे। हमारा रीजन में सपोज तुम्हारा एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये वाला रीजन में आईपी एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क क्या होगा, तो वो लोग कैलकुलेशन करके तुमको, तुम उन लोग अगर कस्टमर ऐसे कस्टमर ज्वाइन करके, जैसे तुम सपोज एयरटेल का या तो जियो फाइबर का ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्शन तुम यूज कर रहे हो, तो तुम उन लोगों का कस्टमर हो, तो वो लोग तुम लोग को प्रोवाइड करेगा आईपी एड्रेस। वो डिपेंड करेगा कौन सा रीजन में तुम हो, ठीक है। अच्छा इसी का तुम ये जो बोल रहा हो बार बार, असाइनमेंट से ये सॉल्व कर देंगे क्या आप, तो असाइनमेंट में क्या सॉल्व करूं बोलो तो। सर लाइक वो आपने जो भी इससे पहले वाला दिया था, क्या उसमें आप ए सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा दिखा रहा है ना, हम वहां पर जा रहा है पहले ये वाला, ये वाला तो देखो इसका रेंज क्या है, रेंज क्लास ए का रेंज क्या है, क्लास ए का रेंज क्या है, 1.0.0.2 कितना है, 126.0.6.255.255.255. ठीक है, तो ये तो इसका ये वाला देख के पता चल जाएगा कौन सा रेंज में, ये तो इसकी रेंज में है ना, दिस इज क्लास ए। ये इजी क्वेश्चन था, ये भी देखो, ये भी तुम्हारा सेम रेंज में, इसी में ये वाला रेंज में, ये भी क्लास ए है, ये वाला देखो कि कौन सा रेंज में है। क्लास बी का रेंज क्या है, 127.2 or 128.2 or 127.2.0.0.0.2 191.255.255.255, तो ये तो इसका रेंज में आ रहा है, ये भी इसमें आएगा क्लास बी, ये वाला
सेम रेंज में आ रहा है, ये भी क्लास बी होगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ, ये इजी था है? तो और कुछ क्वेश्चन आप दे रहा है, देखो क्लास सीपी देखे एकदम इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन करो, दिस इज ए एंड दिस इज बी, करो ये वाला, रिप्लाई करो। है और ये वाला नीचे क्वेश्चन वाला क्वेश्चन का आंसर दे दो, कंप्लीट करके सेंड करो। ये वाला क्वेश्चन अलग सा है, इसका भी आंसर करो। और इसका क्या है, ये वाला क्वेश्चन, इसका भी आंसर करो। नहीं, ये ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट टाइप का नहीं है, ठीक से बोलो। 5 मिनट है, 5 मिनट टाइम आप दे रहा है, सोच के बोलो। ये वाला 5 मिनट टाइम दे रहा है। ये वाला सोच के बताओ है, 2 मिनट वेट करो, हम थोड़ा सा आ रहा है पानी पी के, तब तक तुम लोग इसका कोई आंसर करो, जस्ट 2 मिनट, जस्ट।
अच्छा देखो, ये लोकालोस नहीं, इसका नाम है वैसे लूप बैक है, लोकालोस भी कह सकते हो बट जेड इसका नाम है लूप बैक है, लूप बैक एड्रेस। ये वाला एड्रेस बेसिकली रिजर्व है, ये तुम्हारा लूप बैक एड्रेस ऐसे यूज होता है। तुम्हारा कंप्यूटर का नेटवर्क कनेक्शन ठीक है या नहीं, किसी का भी कंप्यूटर का, पर्सनल कंप्यूटर का, पर्सनल कंप्यूटर और पर्सनल लैपटॉप का इंटरनेट कनेक्शन ठीक है या नहीं चेक करने के लिए ये वाला लूप बैक एड्रेस यूज किया जाता है। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज लूप बैक एड्रेस। और ये वाला क्लास सी और क्लास ए। अच्छा ओके क्लियर, रिप्लाई करो।